Hello friends, my name is Mohit Pahari. Welcome to my YouTube channel Accession Knowledge. In this video, I will clarify about LLP in BCA Part 1, a aspect of Magadh University syllabus. Okay, then let's start. Generally, at the syllabus of BCA Part 1, there are two types of LLP, graphically and second is simplest method. First of all, I'm explain you and try to quick understand you how to solve LLP graphically method, and after that how to write LLP in examination copy. यहाँ question दिया हुआ है objective और दो subjective है. ये question है subjective is two constraint. आगे मैं बताऊँगा, आगे एक और question बताऊँगा जिसमें three constraint दिया हुआ रहेगा, means ये subjective तीन की दिए हुए रहेंगे. यहाँ पर मैं देखो तो ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है. अगर इस साइन की बात करूँ तो आपको ये पता होगा कि अगर 3x कुछ इस टाइप का दिया हो तो इसका मतलब क्या है, 3x स्मॉलर और इक्वल टू 10. अगर कुछ ऐसा रहे तो इसका मतलब क्या है, 4x अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो 3x ग्रेटर और इक्वल टू 10. अगर ऐसा दिया हुआ है 4x स्मॉलर और इक्वल टू 10. अगर ऐसा रहे तो 4 = 4x तो क्या हुआ, 4 = 4x, ठीक है, ये इक्वल है. अब पहला सब्जेक्टिव में आता हूँ. तो ये सब्जेक्टिव मेरे इन इक्वेशन में दिया हुआ है, इसे मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा. तो 10x1 प्लस 20x2 स्मॉलर इक्वल टू 120, इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे. इक्वेशन वन इसे बॉक्स में डालता हूँ, एक ऐसा बॉक्स बना लूँगा, ऊपर x1 और नीचे x2. अगर मैं x1 में 0 डालूँगा तो चेक करता हूँ क्या होता है. x1 में 0 डाल रहा हूँ, ठीक है, 20x2 = 120. x1 में मैंने 0 डाल दिया है तो x2 क्या हो जाएगा, x2 मेरा हो जाएगा 120/20, तो 6. तो कितना आ गया, x2 मेरा आ गया 6. अगर मैं x2 में 0 डालता हूँ, x2 को मैं 0 डाल रहा हूँ, ठीक है, टेन एक्स वन प्लस x2 को 0 माना = 120. तो x1 = 120/10, तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है. x2 को 0 माना था तो x1 कितना हो जाएगा, 12. तो मेरे पास x1 और x2 का दो पॉइंट निकल कर आ गया. x1 और x2 का दो पॉइंट क्या निकल कर आया, x1 है मेरा 12 और x2 आया मेरा 6. ओके, अब आते हैं दूसरे इन इक्वेशन में. तो दूसरा इस इन इक्वेशन सब्जेक्ट को इक्वेशन में चेंज करने के लिए इसको इक्वल मान लेंगे. चलिए तो लिखते हैं क्या दिया हुआ है, 8x1 प्लस 8x2 = इसे इक्वेशन में चेंज कर दूंगा, ठीक है. अब उसी तरह से भी बॉक्स में डालता हूँ, x1 में 0 ले लिया तो x2 क्या होगा, x1 को 0 माना तो 0 प्लस 8x2 = 80. तो x2 = 80/8, तो 10 बार में कट जाएगा तो x2 = 10. ओके, x2 मेरा आ गया 10. अब मैं x2 को 0 मानूंगा, तो x1 क्या होगा, 8x1 प्लस x2 को 0 माना हूँ तो 0 लेता हूँ प्लस = 80. तो 8x1 = 80/10, 80/8, तो 10 बार में कट जाएगा तो x1 = 10. तो x मेरे दो पॉइंट निकल कर आ गया, x1 x2, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है.
x1 कितना आया 10 और x2 क्या आया 10। चलिए हम ग्राफ में देखते हैं इसका लाइन प्लॉटिंग कैसे करेंगे। इक्वेशन 1 का मेरा 2 पॉइंट x1 और x2 आया 12 और 16। इक्वेशन 1 का x1 आया है, एक ऐसा ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ये x1 और यहाँ है x2। इक्वेशन 1 का 2 पॉइंट आया है 12 और 6, x1 है 12, x1 है 12, x2 है 6। लाइन प्लॉट कर लेता हूँ। और इस लाइन का नाम दे दूंगा जो इक्वेशन था, जैसे इक्वेशन क्या था मेरा, ये 10x1 प्लस 20x2 और स्मॉल इक्वल टू 120, तो इसका लिख दूंगा 10x1 प्लस 20x2 और स्मॉलर 1 है इक्वल टू 120। और x2 का 2 पॉइंट आया है x1 10 और x2 है 10, तो x1 है 10, x2 है 10। लाइन प्लॉट कर लेता हूँ। ओके, ये ऐसे जाएगा। ये किस लाइन का इक्वेशन का लाइन था, तो ये है 8x1 प्लस 8x2 और स्मॉलर इक्वल टू 80। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करूँगा कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इमेजिनरी नंबर, छोटा ही रियल नंबर से। तो इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर छोटा है मीन्स ये 0 का साइड आ रहा है। इमेजिनरी नंबर इस लाइन का जो इन इक्वेशन है, ये इसका ये इस वाले लाइन का 10x, ठीक है, 10x प्लस 20 इस वाले लाइन का, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर छोटा है मीन्स ये इसका x2 भी छोटा है, x1 भी छोटा है, तो वे ऑब्वियसली ये 0 के साइड आ रहा है। अब इन इक्वेशन 2 में देखेंगे तो जो इमेजिनरी नंबर है वो छोटा है 80 से, तो मीन्स ये छोटा है मीन्स ये 0 के साइड जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये दूसरे इक्वेशन का लाइन ये रहा, इसका x2 भी छोटा है, y2 x1 भी छोटा है, तो टेंजेंट कहाँ जाएगा, टेंजेंट ऑब्वियसली ये 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रोल अब यहाँ पर दिया है x1 0 से बड़ा है, x2 0 से बड़ा है, इसे क्लियर करने के लिए इसे लिख लेता हूँ, x1 बड़ा है 0 से, x2 बड़ा है 0 से। इसका मतलब क्या है, ये x1 और x2 ये डिनोट कर रहा है एक्सियल लाइन को, x1 डिनोट कर रहा है एक्सियल लाइन x1 को और x2 डिनोट कर रहा है एक्सियल लाइन x2 को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी नंबर बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा मीन्स ये x1 भी बड़ा है और x2 भी बड़ा है। ओके, अब इसका फेस्टिवल रीजन निकालते हैं, तो फेस्टिवल रीजन क्या होगा इसका, तो मैं यहाँ ध्यान देता हूँ कि x1 बड़ा है, x2 बड़ा है, इसका टेंजेंट जा रहा है 0 के साइड, इस लाइन का भी टेंजेंट जा रहा है 0 के साइड, तो भी इसका आप देखो कि एक 4 पॉइंट निकल कर आ रहा है। ठीक है, इससे पहले इसका ये फेस्टिवल रीजन निकल गया,
इसे हम शेड कर लेंगे। इस ग्राफ का फेसिबल रीजन निकल गया। अब मुझे 3 पॉइंट का वैल्यू पता है और 1 पॉइंट का वैल्यू नहीं पता। देखता हूँ 3 पॉइंट का वैल्यू क्या है। तो इस वाले पॉइंट का वैल्यू है x1 है 0 और x2 है 6। अच्छा ये x10 क्यों है? x10 इसलिए कि ये आगे नहीं, बस ये 0 में, x1 मेरा 0 में ही है। अगर यहाँ पर रहता तो x11 होता, यहाँ रहता x12 होता, यहाँ रहता x13 होता, लेकिन ये x1 देखेंगे तो 0 में ही है और x2 है 6 में। अब इस वाले पॉइंट का देखता हूँ तो x1 कहाँ है? x1 है 10 और x2 क्या, x2 इस पॉइंट में x2 कहाँ पर है? x2 का वैल्यू क्या है? तो x2 का वैल्यू है ऑब्वियसली 0 है। x2 का वैल्यू अब 0 क्यों है? तो अगर x2 का वैल्यू, अगर यहाँ ये पॉइंट यहाँ रहता तो x2 का वैल्यू होता 1, यहाँ रहता x2 का वैल्यू होता 2। अगर ये यहाँ पॉइंट रहता तो ऐसा लिखता 10 और कॉमा 2। इसका तो ऑब्वियसली 0, x भी 0, x1 भी 0, x2 भी 0। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इन तीनों पॉइंट का नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका बी और इसका सी। तो मुझे ए और सी का वैल्यू पता है लेकिन बी का वैल्यू नहीं पता। तो एक चीज़ मैं गौर करता हूँ, ये बीच का पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। किस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? तो लाइन इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, दोनों का बीच में कटा हुआ एक पॉइंट है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा दोनों लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है उसे देखता हूँ। तो पहले लाइन का इक्वेशन था ये और दूसरे लाइन का इक्वेशन था ये। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए मुझे पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस करना होगा या दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना होगा। पहला इक्वेशन है 10x1 प्लस 20x2 इज इक्वल टू 120। ओके, इसे लिखता हूँ 10x1 प्लस 20x2 इज इक्वल टू 120। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 8x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 80। 8x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 80। चलिए अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से पहले मुझे x1 या x2 का वैल्यू इक्वल करना होगा। तो x1 का वैल्यू मैं इक्वल करता हूँ। ठीक है, x1 का इक्वल वैल्यू इक्वल करने के लिए क्या करूँगा कि इससे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखता हूँ क्या आगे, देखता हूँ क्या होता है। तो इसका वैल्यू आता है 80x1 प्लस 160x2 इज इक्वल टू 960 और इसका वैल्यू आ जाता है 80x2 इज इक्वल टू 800। अब इसका साइन देखते हैं, तो दोनों अगर प्लस में रहेगा तो ये सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? तो इसका साइन नीचे वाले का साइन क्या करता हूँ कि इन्वर्स कर देता हूँ। तो माइनस माइनस माइनस, अब प्लस 80 और माइनस 80 तो दोनों कट जाएगा। इसका वैल्यू क्या आता है? तो इसका वैल्यू आ गया मेरे पास 160 में से 80 माइनस होगा तो ऑब्वियसली 80 बचेगा। तो 80x2 इज इक्वल टू 160। तो x2 इज इक्वल टू 160 बाई 80। तो x2 मेरा कितना आ गया? 2। ठीक है, अब x1 का वैल्यू पता करते हैं। x1 का वैल्यू, ये x2 का वैल्यू है। x1 का वैल्यू पता करने के लिए मुझे किन्हीं दो इक्वेशन में मुझे x2 का वैल्यू पुट कर देना है। तो चलिए मैं इक्वेशन 1 में x2 का वैल्यू पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 में x2 का वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। ओके, तो इक्वेशन 1 मेरा दिया हुआ है 10x1 प्लस 20x2 इज इक्वल टू 120। तो मुझे x की जगह पर 2 पुट कर देना है। तो 10x1 प्लस 20 इंटू
2 is equal to 120, 10x1 plus 40 is equal to 120, 10x1 is equal to 120 minus 40, 10x1 is equal to कितना हो जाएगा 80. x1 का वैल्यू आ गया 1, x2 का वैल्यू आ गया 2, तो यहाँ पर x1 और x2, x1 का वैल्यू क्या है, तो x1 का वैल्यू है 8 और x2 का वैल्यू है 2. ओके, आते हैं ग्राफ में, मेरा कौन सा पॉइंट का ये वैल्यू निकला, तो ये इस v वाले पॉइंट का वैल्यू निकला. x1 क्या है, x1 है 8, x1 है 8, x2 है 2. मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था मैक्सिमाइजेशन जेट इज इक्वल टू 12x1 + 16x2. चलिए इसका कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं. तो यह है मेरा कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पर जेट इज इक्वल टू कितना है 12x1, सिक्सटीन एक्स टू. ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए बी और सी का कॉर्नर पॉइंट है. यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी. ए का कॉर्नर पॉइंट क्या है, तो 0, 6. बी का कॉर्नर पॉइंट क्या, अभी जो निकाला वो था 8, 2. सी का कॉर्नर पॉइंट में आया था 10, 0. ओके, अब इसका कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए क्या करूँगा, एक्स वन है, ठीक है, एक्स वन है तो एक्स वन में एक्स वन को इंटू कर दूँगा, एक्स टू है तो एक्स टू में एक्स टू को इंटू कर दूँगा. चलिए इसे लिख कर देखता हूँ क्या आता है. एक्स वन है 12 इंटू एक्स वन क्या है, तो एक्स वन इज 0. एक्स टू क्या है, एक्स टू है 16 इंटू 6 इज इक्वल 0 प्लस इसका 16 इंटू 6 हो जाएगा 6 6 36 6 6 96 इज इक्वल टू 96. बी वाले का क्या आता है, तो 12 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2, 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96 प्लस 16 टू 32 इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 128. अब इसका देखता हूँ, तो 12 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 0 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 प्लस 0, तो इसका आ जाएगा 120. अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, तो क्वेश्चन में निकालना था मैक्सिमाइजेशन. मैक्सिमाइजेशन मतलब सबसे ज़्यादा. अगर यहाँ क्वेश्चन रहता मिनिमाइजेशन तो उसका मतलब होता है सबसे कम. तो यहाँ मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमाइजेशन, तो सबसे ज़्यादा संख्या कौन है, तो 128. तो ये संख्या मेरा हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन. अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि फाइंड द मिनिमाइजेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहता मेरा मिनिमाइजेशन निकालने के लिए, तो कौन सा आंसर होता, तो ये वाला 96 वाला, क्योंकि सबसे कम ये है. ये तो मेरा क्विक एंड टिप्स था कुछ समझने की बातें. अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसे एग्जामिनेशन कॉपी में कैसे आपको लिखना है. ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप इस चैनल में नए हो या बीएससी बीसीए पार्ट वन के स्टूडेंट हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके, थैंक यू.